हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 6 होगा और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे हमारी जो नंबर सिस्टम की प्रिपरेशन है अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सब संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5 और आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसके बाद 13, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। अब इनमें से हमें शुरू की 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। अगर हम 20 विषम संख्याओं की बात करें, 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालें तो उसे हम निकाल सकते हैं। हम पहले इसे शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग ट्रिक से, लॉन्ग बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से ये जो विषम संख्याओं का योगफल होता है, हम n विषम संख्याओं का मान के चलते हैं, तो n विषम संख्याओं का योगफल आपको सिर्फ n स्क्वायर कर देना है और उससे विषम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा n इक्वल्स टू 20 है, तो n इक्वल्स टू 20 है तो इसलिए जो योगफल होगा 20 विषम संख्याओं का वो सिंपल n स्क्वायर है, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 400। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, शॉर्ट ट्रिक सॉरी। अब बेसिक मेथड से कर लेते हैं। बेसिक मेथड से अगर हम करें इस क्वेश्चन को, ये हमारा बेसिक मेथड होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और अप टू हम कितनी लेनी है, 20 टर्म्स तक। तो हमने 20 टर्म्स तक इनकी वैल्यू ले ली। अब हम देख लेते हैं कि जो ये सीरीज है इसमें सब में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो ये जो हमारी श्रेणी होती है उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, या फिर हम इसे कुछ इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसमें हमारा पहला पद यानी A जो है वो 1 है। अगर हम D की बात करें, जो डिफरेंस आता है डेरिवेशन वो आ जाएगा आपका 1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और वहीं पे अगर हम 5 माइनस 3 करें तो भी 2 आ जाएगा। यानी D तो हमारा आ गया 2, जो हमारा बीच का विभांतर होता है ये आ गया हमारा 2। अब इसमें जो लास्ट टर्म का तो पता नहीं, बट अगर हम n लें तो n हमारे पास 20 है। अब हम इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है AP का फॉर्मूला होता है n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू d करेंगे। तो ये n/2 है हमारे पास 20/2, और 2a हो गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी 20-1 इंटू 2। अब 2 से डिवाइड किया इसको तो 10 आया, अंदर 2 है, प्लस 2 इंटू 20 40, माइनस 2 ये, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 400। तो ये हमारा है बेसिक मेथड। तो इसी टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक से देख, जो हमने किया था क्वेश्चन वो काफ़ी आसानी से हो गया। n स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला भी है कि n विषम संख्याओं का अगर योगफल आपको निकालना है तो n स्क्वायर कर दीजिए, शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा। वहीं बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन बेसिक मेथड में थोड़ा टाइम लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो 1 है और 32 है, 32 इनके बीच आपको सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, जितने इवन नंबर्स हैं उनका योगफल निकालना है। तो इवन नंबर्स का योगफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप पहले इवन नंबर्स लिख लीजिए कि इनके बीच कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये हमारा 1 को छोड़ के और 32 को छोड़ के ये सारी हमारी इवन नंबर्स आ गए। अब हम देखते हैं कि इवन नंबर्स की कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये हमारे पास कितनी संख्याएं होगी, 15। तो n हमारा 15 हो गया। अब इसमें भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं योग वाला, लेकिन इसमें हमें लास्ट टर्म पता है कि 30 है और 2 पता है। हालांकि इसमें भी हमें
डी पता है, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम जब जानते हैं कि फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म दी हुई है, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, योगफल इक्वल्स टू, या इसे हम बोलते हैं सम, सम ऑफ नंबर्स या इवन नंबर्स आप कह सकते हैं, तो एन बाई टू और ए प्लस एल। ये हमारा एक तरीका है। इसके बाद हम दूसरा तरीका भी देख लेंगे। तो एन कितना है हमारे पास, 15/2, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए 2 और लास्ट टर्म 30, यानी कि ये हो गया हमारा 15/2 इंटू 32। ये हमने काटा तो ये 16 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा 240 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अब इसका हम एक और मेथड देख लेते हैं, दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड में फर्स्ट टर्म जानते हैं कि फर्स्ट जो सम नंबर है वो 2 है, इसके बाद 4 आएगा और 6 आएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी 32 से जस्ट पहले, क्योंकि हमें 32 से पहले लेनी है सम संख्या या इवन नंबर, पहले जो इवन नंबर आएगा वो हमारा 30 होगा। अब हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट पता है और एन नहीं पता, तो एन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एल इक्वल्स टू, क्योंकि ये वो जो फॉर्मूला है ये टर्म्स के लिए आता है, इसमें हम वैसे दूसरा ये हमारा अंतिम पद यानी कि जो लास्ट टर्म है वो और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देते हैं। तो जो एल है वो हमारा 30 है और ए 2 है और प्लस एन माइनस वन, एन हमें पता नहीं है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा, तो ये हम इसको निकालेंगे 30-2, ये 2 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 28 बचा और ये हो गया एन माइनस वन इंटू 2। अब 2 से इसे डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 14, यानी कि 14 इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो एन इक्वल्स टू 15 हो गया। अब ये हमें एन पता चल गया, तो अब हम आंसर निकाल सकते हैं जो एस एन फॉर्मूला है, यानी कि एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे अब इसमें एन कितना है 15 और 2a कितना है 2 और एन माइनस वन यानी 15-1 इंटू 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आगे। 15/2 4 प्लस 15 इंटू 30-2, यानी ये आया हमारा पास 15/2 34 और 2 माइनस किया 32 यानी 2 16, और ये हो गया हमारे पास 15/16, तो ये हो गया हमारे पास 240। तो ये इसका दूसरा मेथड है जो कि हमने उसी फॉर्मूले से एग्जैक्ट निकाला है, बस हमें एन पता नहीं था तो इसलिए हमने इससे एन निकाला। तो ये एक फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो लास्ट टर्म आ जाती है यहाँ पे और इससे हम एन निकाल सकते हैं कभी भी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की कितनी संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन, और ये भी एक कॉम्पिटिशन में आया हुआ है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है लास्ट। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हम निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4×9, ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम देखते हैं कि अगर हम जो 3 अंकों की लास्ट संख्या है उसके बाद हमारी जो फर्स्ट संख्या स्टार्ट हो जाएगी, तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, वो हो जाएगी 999। अगर हम इसमें से इस संख्या को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 टाइम्स जो 4 अंकों वाली संख्या या 4 डिजिट्स वाली संख्या वो कितनी है। तो इसलिए हमें ये पता करना है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, जो हमें अभीष्ट संख्या चाहिए या आंसर चाहिए अभीष्ट संख्या, तो ये हो जाएगा 999 माइनस, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 9000, तो ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 9000 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 अंकों वाली हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें हमें दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब इन्होंने ये एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमने सॉल्व करना है कि इसका क्या मान होगा। इसके 4 ऑप्शंस हैं, अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स की पावर माइनस वन इंटू वाई इंटू वाई माइनस वन इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड की पावर माइनस वन इंटू एक्स। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं,
जो हमारे पास माइनस वन है तो वो नीचे आ जाएगा, इंटू अंडर रूट जेड ऊपर नीचे वाई इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन जेड। अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये अंडर रूट वाई है तो ये अंडर रूट वाई कट गया, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, अंडर रूट जेड से अंडर रूट जेड कट गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, वन। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्वेश्चन है एन का न्यूनतम मान आपको बताना है जिसके लिए 2n+1 एक रूट संख्या नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ रूट संख्याएं उन्हें कहते हैं जो अभाज्य होती हैं। रूट संख्या या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे हैं जो एक या केवल अपनी संख्या से कटती हों, एक या स्वयं से कटती हों। तो हमें पता है कि वो होती हैं संख्या 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, तो ये रूट संख्याएं हो गई। अब हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है रूट संख्या नहीं है। हमें यहाँ फोकस करना है नहीं पर, तो हम n बराबर 3 रख के देख लेते हैं। तो n बराबर 3 के लिए 2n+1 का मान आएगा 2 × 3 + 1 यानी 7। तो 7 हमारी रूट संख्या है या अभाज्य संख्या। और आगे देखते हैं n बराबर 4 के लिए, तो ये आएगा 2 × 4 + 1 = 4 × 8 = 9। और 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्यों नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो 9 है ये 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, फिर उसके बाद आपका 9 से भी कट जाता है। तो इसके 2 से ज़्यादा है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमें आंसर तो मिल गया 9, क्योंकि n बराबर 4 के लिए हमारा आंसर सही है, तो यहाँ 4 आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब हम 5 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। n बराबर 5 के लिए 2 × 5 + 1 = 5 × 2 = 10 and 11। तो ये जो 11 है ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर n बराबर 4 के लिए चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य मल्टीपल्स कह सकते हैं इसे, तो अभाज्य गुणनखंडों के मतलब फैक्टर बताने हैं आपको। और अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, ऐसी संख्याएं। तो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये 2, 3, 5, 7 के टर्म्स में आ जाए। तो पहले हमारे पास 6 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 17 मल्टीप्लाई 11 की पावर 27, ये सब हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 2 और 3 में सबसे छोटा डिवाइड हो सकता है 2, 3 जा 6, यानी कि ये 2, 3 जा 6 हो गया। 7 को हम नहीं तोड़ सकते, तो ये ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं। और 11 की भी हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए 11 को भी वैसे ही रख दिया। अब हमने इसको अलग किया, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 7 की पावर 17 मल्टीप्लाई 11 की पावर 27। अब हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो 10 टाइम्स है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हम लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये हो गया। अब आप देख लीजिए 10 टाइम्स 2 है प्लस 10 टाइम्स 3 है प्लस 7 17 टाइम है और प्लस 27 टाइम्स है 11। तो हमारे पास ये हो गया, ये हमारा जुड़ जाएगा, तो 10 10 20 और 20, और ये हो गया हमारा 34 34 44, तो ये हो गया हमारा 64। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं कि हम उसे लास्ट नंबर तक काट दें जिससे नीचे वो स्वयं ना कटे, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो एक और स्वयं से कट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें रूट गुणनखंडों यानी कि वही रूट का मतलब ही अभाज्य है, तो रूट इक्वल्स टू अभाज्य, या तो हम उसे रूट संख्या कह सकते हैं या अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं जो स्वयं से और एक से कटती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं 8 की पावर 25/3 और ब्रैकेट में नेक्स्ट है 15 की पावर 32, तो ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में हैं, और नीचे है 6 की पावर 12, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इसको कितने में तोड़ सकते हैं, तो ये होता है 2, 2 जा 4, 2 जा 8,
यानी कि 2 की पावर 3। ये हो गया हमारा 25/3 इंटू 15 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 5 में, तो ये हो गया 32। और नीचे हम 6 को तोड़ सकते हैं, 2 × 3 = 6 होता है, तो ये हो गया हमारा 2 × 3 = 6। अब नेक्स्ट 2 की पावर 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 25/3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 32 × 5 की पावर 32, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आगे ये 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12, यहाँ 3 से 3 कट गया तो बचा 2 की पावर 25। आगे यहाँ से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई 3 की पावर 32 मल्टीप्लाई 5 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 12 × 3 की पावर 12। अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि जो ऊपर नीचे वाली संख्याएं होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो ये जो 12 पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25 − 12 × 3 की पावर 32 − 12 × 5 की पावर 32, क्योंकि 5 नीचे है नहीं तो इसलिए वो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 13 और इंटू 3 की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये 5 की पावर हमारे पास हो जाएगा 32। तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या बनेगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई हमारे पास, क्योंकि हमें यही फाइन करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 13, क्योंकि 2 की पावर 13 है और 3 की पावर 20 और 5 की पावर 32, इन सबको आप प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 65। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 65 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th नंबर, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है और उसको 2 बार आपने लिखा, जैसे उदाहरण में आपको दे रखा है 37 37 या 63 63, तो 4 अंकों की जो संख्या है बन जाती है 2 बार लिखने से, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी ये हमें फाइंड करना है, कि जो 2 अंकों को 2 बार लिखने से जो संख्या बनती है वो हमेशा किससे विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल में 37 37 दिया हुआ है, 63 63 दिया हुआ है, इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल हो, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसलिए हम मानते हैं जो 2 अंकों की संख्या होगी, ये 2 अंकों की संख्या हम क्या लेते हैं 10x + y, यही लेते हैं। अब इन्हें अगर हम 4 अंकों की संख्या लेने लगें तो 4 अंकों की जो संख्या बनेगी हमारी 10x + क्योंकि यही संख्या 2 अंकों की थी, × 100 क्योंकि 100 प्लेस पे आ गई, और +10x + y, ये हो गई हमारी 4 अंकों की संख्या बनाने का तरीका, क्योंकि हमारी ये जो 2 अंकों की संख्या थी ये 100 प्लस पे पहुंच गई है, वहीं पे हम 10x + y ले ही रहे हैं। और ये वैसे भी अगर हम मान लीजिए 33737 को ही लें तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 × 3 + 100 × 7 + 10 × 3 + 7। तो इस तरीके से जो हमने 1000 को लिया था वहीं हमने इसको 10x था तो इसलिए 100 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 1000x हो जाएगा, +100y हो जाएगा, +10x हो जाएगा और +y हो जाएगा, इस वजह से हमें ये संख्या लेनी पड़ी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4 अंकों की संख्या हमेशा किससे कट सकती है। तो यहाँ 10x + y जो है वो कॉमन आ गया आपका, कॉमन आने के बाद ये बचेगा 100 + 1 और ये हमारा हो गया 10x + y × 101। अब आप देख रहे हैं कि जो 10x + y है, 2 अंकों की संख्या है, वो हमेशा 101 यानी कि 101 का मल्टीपल है, यानी कि हर बार 101 इसमें से कॉमन आ रहा है, यानी कि ये कटता ही जाएगा। तो आप इसमें हम जो आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे, 101 के से कट जाएगी 2 बार अगर संख्याओं को लिखा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या है जो वही एक अंक
छह बार लिख दिया। कोई भी संख्या आपने ली और उसी अंक को छह बार लिख दिया, छह बार लिखने के बाद ऐसी संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी? अब हम ये जानते हैं कि जो ये वन है सिक्स टाइम्स, इसका रूल है, रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या को अगर छः के मल्टीपल में लिखा जाए, यानी कि छः बार, बारह बार, अट्ठारह बार, चौबीस बार, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सेवन, इलेवन और थर्टीन, इन तीनों से कट जाएंगी। अगर इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ये सेवन से डिविजिबल है, थर्टीन से, इलेवन से। अब जो ये सिक्स बार, बारह बार, अठारह बार, चौबीस बार अगर हम संख्याओं को लिखते हैं रिपीट में एक ही संख्या को, तो वो सभी सेवन, इलेवन एंड थर्टीन से कट जाती हैं। तो इसलिए हमारा ये सेवन भी हो जाएगा, इलेवन भी हो जाएगा, थर्टीन भी हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर के साथ हम चले जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना रूल कि कोई भी संख्या है अगर उसे छः बार लिखा जाए, या बारह बार, या अठारह बार, या चौबीस बार, तो वो संख्या सेवन, इलेवन और थर्टीन से विभक्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि m और n दो विषम पूर्णांक हैं, और विषम पूर्णांक का मतलब है कि जो विषम संख्या ही है, तो विषम संख्या का मतलब है वन, थ्री, फाइव, ये संख्याएं विषम होती हैं, सेवन, नाइन, तो ये सब संख्याएं विषम पूर्णांक हैं। अब इसमें एक कंडीशन दे दी कि जो हमें n का मान लेना है वो ग्रेटर देन है, n का मान जो लेना है वो स्मॉलर देन है m से। तो ऐसी संख्या जो भी है, ऐसी बड़ी संख्या बनानी है जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सब संख्याओं को विभाजित करे। हमें m n से बड़ा लेना है, तो m इक्वल्स टू हमने 3 लिया, और n इक्वल्स टू विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो 1 आ गया। अब हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो m स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया, और ये हो गया हमारे पास 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो हमें इससे पता चल गया कि 8 से डिविजिबल होंगी सारी संख्याएं, क्योंकि हमने छोटे मान के लिए निकाला है। अब जो बड़ी संख्याएं आएंगी उनके लिए भी चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके, तो 8 से डिविजिबल हैं, तो m इक्वल्स टू हमने 5 और n इक्वल्स टू 3 लिया, क्योंकि m हमें n से बड़ा दिया हुआ है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो ये भी जो 16 है ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि 8 से विभाजित हो जाएंगी सारी संख्याएं जो दो विषम पूर्णांक होंगी। तो ये हमारी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के प्रकार की जितनी संख्याएं हैं सब 8 से डिविजिबल होंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि a स्टार b इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 3b प्लस ab, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 3 और b इक्वल्स टू दिया हुआ है 5, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 3 स्टार 5 और प्लस 5 स्टार 3 दिया हुआ है, तो हम इसे दो पार्ट में कर लेते हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। तो पहले a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, a की मान 3 और 3, b का मान 5 और प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, तो ये हो गया 2, 3 या 6 माइनस 15 प्लस 15, तो माइनस 15 और प्लस 15 कट गया यानी कि बचा 6, इसका तो मान आ गया हमारे पास 6। अब हम आगे का मान निकालते हैं 5 स्टार 3 के लिए, तो इसमें हमें a इक्वल्स टू 5 रखना है और b इक्वल्स टू 3 रखना है, तो इसके लिए मान निकालेंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 और प्लस लास्ट में ए बी है यानी 5 इंटू 3। अब हमारे पास मान आया 10 माइनस 9 प्लस 15 और ये हो गया हमारे पास 16, तो हमारा जो लास्ट मान निकलेगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 था, तो ये हो गया हमारा
थ्री जा फिफ्टी फाइव, थ्री स्टार फाइव का मान हमारे पास सिक्स है और फाइव स्टार थ्री का मान सिक्सटीन है, तो हमारा आंसर हो गया 22। तो ये ऑप्शन नंबर वन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे ये पूछा है कि 7 की पावर 19 से एक कम संख्या करनी है, सिर्फ एक, ये किससे विभाज्य होगी। तो हम देख लेते हैं कि 7 की पावर 19 माइनस 1, ये हमारे क्वेश्चन है। अगर हम देखें x मान लें और n मान लें और उसमें से एक संख्या कम कर दें, तो इसको कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं x माइनस वन, क्योंकि ये 1 है तो 1 को तो n की पावर हम मान सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो संख्या लिखी जाएगी एक कम होता चला जाएगा क्योंकि हमने कम लिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर n माइनस 3 प्लस फिर प्लस 1 तक ये संख्या चली गई। अब हम इसमें x इक्वल टू 7 रख देते हैं, तो ये हमारा मान हो जाएगा 7 माइनस 1, और ये हो जाएगा 7 की पावर n इक्वल टू 19 रखना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 की पावर 18 प्लस 7 की पावर 17 फिर 7 की पावर 16 अप टू 1 तक। तो ये हम देख रहे हैं कि 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी ये बचा 7 की पावर 18 प्लस 7 की पावर 17 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 1 तक। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 6 का मल्टीपल है। जब 6 का मल्टीपल है ये संख्या, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 7 की पावर जितनी भी हो और उससे अगर एक कम संख्या हमने कर दी, तो ये हमारी जो संख्या है ये 7 की पावर 19, तो ये हमारी जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे, इसका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 9 3 माइनस 5 का मॉड है और -5 4 का मॉड डिवाइड बाय 10 और नीचे है -3 × 5 - 2 × 4 डिवाइड बाय 2। ये हमें आंसर निकालना है इसका। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हम मॉड से कोई भी संख्या भाग लेते हैं तो वो प्लस में आती है, अगर हम माइनस का मॉड रखें तो भी प्लस आएगी। तो मॉड से बाहर जो भी संख्या आएगी वो प्लस में आएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है 9 3 - 5 mod - 5 4 mod और डिवाइड बाई 10 अपॉन -3 5 - 2 × 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 ये 3 - 5 आया, -2 mod - 4 mod बाहर आ गया तो 5 × 4 हो गया, और ये डिवाइड बाई 10 है तो इसको मल्टीप्लाई करके 1/10 कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -3 × 5, तो ये हो गया हमारे पास -15 - 2 × 4 × 1/2। कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4, तो 2 आ गया और इसको हम काट सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 जो है मॉड से बाहर जब आएगा तो ये हमारे पास प्लस में आएगा, यानी 9 × 2 और माइनस यहाँ 2 बचा, तो ये हो जाएगा हमारा -15 - 4। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 9 × 2 = 18 - 2 यानी कि 16 अपॉन 15 = 4 = 19 और इसका जो माइनस है वो यहाँ हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -16 अपॉन 19। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम इसका चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर है वो सदैव क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4, तो कोई भी संख्या का जो अंतर होगा वो एक पूर्णांक संख्या होगी, होल नंबर जिसे बोलते हैं, क्योंकि अगर हम 1 में से 1 को घटाते हैं तो 0 आएगा जो कि एक होल नंबर के अंदर ही आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो हम दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्णांक संख्या होगी, यानी होल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास इकाई स्थान में कौन सा अंक आएगा, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका यूनिट डिजिट पूछा है, और ये क्वेश्चन मोस्टली DSSB में पूछा गया है यूनिट डिजिट से रिलेटेड। तो यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं इसमें। हमें दिया हुआ है 24 की पावर 21 - 46 की पावर 24 + 23 की पावर 4। अब हम जानते हैं कि हमने दो रूल पढ़े थे यूनिटरी मेथड में या यूनिट डिजिट निकालने के लिए पिछली वीडियो में, तो 0, 1, 5 और 6 अगर आता है तो यूनिट डिजिट वही संख्या हो जाती है जो इसमें दी हुई है, सेम यही हो जाएगी
यूनिक डिजिट संख्या। अगर कोई अदर नंबर आ जाता है तो उसके लिए हम जो उसकी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर होता है वही यूनिक डिजिट लिख देते हैं, तो वही यूनिक डिजिट हो जाती है। अगर 0 आता है तो हम 4 यूनिट डिजिट लिखेंगे, ये रिमाइंडर है। अगर 1 आता है तो हम 1 लिख देंगे यूनिट डिजिट, अगर 2 आता है तो 2 और 3 आता है तो 3। बस 0 की कंडीशन में 4 लिख देते हैं यूनिट डिजिट में। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 4 है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसकी यूनिट, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 4 की पावर 21 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास बचेगा, इसको हमने 4 से डिवाइड किया ये, और ये ऑलरेडी 0 बचेगा, इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ 6 है तो हम 6 लिख सकते हैं, इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, ये 24 है, इसमें भी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और ये हमारे पास 6 है तो 6 0 1 5 6 वाले रूल में 6 आ गया, और यहाँ हमारा कितना था प्लस, और ये 4 है तो 3 की पावर हम 4 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ 0 रिमाइंडर है, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब हम इसमें यूनिट डिजिट निकालते हैं कि इसकी 4 हो गई, इसकी 6, और इसकी हो जाएगी 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आप करेंगे 81 आता है, जो कि उसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। इसे हमने जोड़ा तो ये हमारे पास आया 5 माइनस 6। अगर यूनिट डिजिट में कभी ये आ जाए कि आपके पास जो माइनस करने पे माइनस अगर बच रहा हो, तो उसके लिए हम जो छोटी संख्या है और जो माइनस में बड़ी संख्या है, तो जो प्लस में बड़ी संख्या है उसमें एक कैरी कर लेते हैं, क्योंकि जो पीछे की संख्या है वो कहीं ना कहीं एक कैरी के साथ आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी पावर्स हैं, तो एक कैरी कर लिया, तो यहाँ आया हमारे पास 15, और 15 माइनस 6 आ गया हमारे पास 9, तो ये हमारी एक यूनिट डिजिट हो गई 9। तो यूनिट डिजिट से ये काफ़ी आसानी तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है DSSB में 2018 के पेपर में, PRT में, तो इसमें भी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 34 की पावर 9 प्लस 46 की पावर 21 माइनस 43 की पावर 27। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हम देख लेते हैं कि क्या बन सकता है, तो इसको हम पहले पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे हमें 1 बचेगा, यानी कि 4 की पावर 1 आया, और प्लस 6 का हम 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे है 3 की पावर 27, इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो 3 की पावर 4 से हमने इसे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 3 8 जा 24, यानी कि 3 बचेगा, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ प्लस 6 हो गया, यहाँ माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 27 का हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 7। इन यूनिट डिजिट को जोड़ने पर हमारे पास 10 आ रहा है, और 10 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारी यूनिट डिजिट हो गई। अगर हम यहाँ 10 ना लिखें, इसके यूनिट डिजिट को 0 लिखेंगे, तो ये पावर उधर चली जाती, इसलिए फिर हमें माइनस करने के लिए कैरी करना पड़ता, इसलिए हमने 10 को 10 ही लिखा, यूनिट डिजिट नहीं लिखी उसकी, तो ये हमारी 3 इसके साथ यूनिट डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।